हाय, मेरी यूट्यूब सहेलियों शिबा हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। अगर आप चाहती हैं कि आपके यहाँ लड़का हो, आपके घर लड़का आए, लड़का पैदा हो, तो इन कुछ उपाय को आप फॉलो करके अपने घर में लड़का ला सकती हैं। बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं बेटा होने के। बेटा या बेटी में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर भेदभाव मन में है तो ये निकाल दें, लेकिन कोई कोई लोगों की बेटियाँ होती हैं और बेटा नहीं होता है तो परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में कोई भी भेदभाव के प्रति कुछ भी वीडियो में नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट के लिए है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, घर के माता और पिता लड़के को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वह कमा कर लाता है। आज भी लड़कियों को पराया समझा जाता है, हालांकि अभी धीरे धीरे लोगों की सोच के अंदर काफ़ी अधिक बदलाव आ चुका है। लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अभी बहुत समय लगेगा इस बदलाव को सही होने में, तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। यही आपके लिए सही होगा, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। आइए उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला उपाय है, संबंध बनाने से पहले एक कप कॉफ़ी पिएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि आपको लड़का पैदा करना है तो संबंध बनाने से पहले एक कप कॉफ़ी को ज़रूर ही पीना चाहिए, और ये भी ज़रूरी होती है। और यदि महिला भी कॉफ़ी पी सकती है तो उसे भी पीना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से वाई गुणशुक्रों की गति, वाई क्रोमोसोम्स की गति तेज़ी से बढ़ती है। ऐसा करने से वाई क्रोमोसोम्स तेज़ी से बढ़ते हैं और लड़का पैदा होने में ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब भले ही ये एक मिथ है, लेकिन इसको करने में क्या जाता है, कौन सा इसको करने में अधिक पैसा खर्च हो रहा है, तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करें। सेक्स करने से पहले एक कप कॉफ़ी दोनों हस्बैंड वाइफ पिएं। दूसरा तरीका है, संबंध के तरीकों को बदलना चाहिए। दोस्तों, संबंध को सही तरीके से बनाना ज़रूरी होता है। इस प्रकार से बनाना चाहिए कि सफ़ेद पदार्थ सीधे पहुंच सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो लड़का पैदा होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यही होती है कि वाय गुण सूत्र को काफ़ी अधिक प्रबल बनाना ज़रूरी होता है। वाय क्रोमोसोम्स को काफ़ी ज़्यादा बनाना ज़रूरी होता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम्स के बिना लड़का होना संभव नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब भी आप सेक्स करें, उसके बाद आप लेग ऑफ द वॉल की पोजीशन अप्लाई करें। उससे जल्दी आपका स्पर्म आपके एग से मैच हो जाता है और अंदर तक पहुंच जाता है। तीसरा उपाय है, तनाव मुक्त रहकर प्रयास करें। दोस्तों, यदि आप तनाव मुक्त रहना चाहते हैं तो सही होगा। आपको यदि लड़का चाहिए तो आप तनाव मुक्त रहें, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लें, यही आपके लिए सही होगा। यदि आप तनाव मुक्त रहकर काम करते हैं तो उसके बाद लड़का पैदा होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। यदि किसी बात को लेकर आपके दिमाग के अंदर खटपट है तो फिर आप तनाव मुक्त नहीं रह सकते हैं। बेहतर यही है कि आप उस खटपट को ख़त्म करें और शांति से ही रहें, तभी कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप योगा भी कर सकते हैं। और महिला को उत्तेजित होना ज़रूरी है। दोस्तों, महिला के उत्तेजित होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यदि आप महिला के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उसे उसके चर्म तक लेकर जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको लड़का होने के चांस काफ़ी अधिक बढ़ जाते हैं। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और ये ज़रूरी भी हो जाता है, आपको पता ही होगा। पुरुष को चाहिए कि नशे वाली चीज़ों का सेवन करना बंद करें। दोस्तों, यदि आप एक लड़का चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप नशे वाली चीज़ों का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। यदि आप नशे की चीज़ों का सेवन करते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। आपको इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अल्कोहल, सिगरेट, ये सब बिल्कुल बंद करें, बहुत ही हानिकारक है। यदि आप दारू, शराब और दूसरे किसी भी तरह का नशा करते हैं तो आपको नशे को कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए, और इसके बाद आपको चाहिए कि आप बिना नशे के ही काम करें और ख़ुद को बलवान स्ट्रांग रखने के लिए सही खाना खाएं। यदि आप दारू, शराब और दूसरी किसी भी तरह का नशा करते हैं तो ये पहले ही से ही छोड़ दें, ये बहुत नुकसान देती हैं। दोस्तों, यदि आप खुद को बलवान बनाए रखते हैं तो लड़का होने की उम्मीद काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। आप खुद को बलवान बनाए रखने के लिए कई सारे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं व्यायाम, योगा और अच्छी डाइट, भोजन ले सकते हैं जो कि खुद को बलवान बनाने के लिए बहुत ही मददगार है। आपको ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आप अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाएं। पहले गर्म पानी से नहाना कम करें। दोस्तों, यदि आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपके जीवन पैदा करने वाले तत्वों पर असर पड़ता है और इनका पैदा होना कम हो जाता है।
इसलिए बेहतर यही होगा कि आपको गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, यही आपके लिए सही होगा। यदि आपको गर्म पानी से नहाना भी पड़ता है तो आप मामूली गर्म पानी ल्यूक वार्म वाटर से नहाएं, लेकिन अधिक गर्म पानी से ना नहाएं, काफ़ी अधिक नुकसानदायक हो सकता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और यही आपके लिए काफ़ी अधिक सही भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं। पुरुषों को ढीले कपड़ों को पहनना चाहिए। दोस्तों, पुरुष को हमेशा ही ढीले कपड़ों को पहनना काफ़ी अधिक ज़रूरी हो जाता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो आपको भी ढीले कपड़े पहनना काफ़ी अधिक ज़रूरी होता है। यदि आप भी टाइट कपड़े पहनते हैं तो उसके बाद होता है ये है कि आपके वाइट पदार्थ मतलब स्पर्म मरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इससे गर्माहट बढ़ जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके ढीले कपड़े पहने, यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और बहुत ही ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खूब अच्छी डाइट लें। अगर आप लड़का पैदा करना चाहते हैं या हेल्दी बच्चा पैदा करना चाहते हैं, खूब अच्छी डाइट लें, अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड कर दें, ढीले कपड़े पहनें और स्ट्रेस बिल्कुल मत लें। ना औरत स्ट्रेस लें, ना पुरुष स्ट्रेस लें। ये वीडियो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट के लिए थी। इस वीडियो में लिंग का कोई भी भेदभाव नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके दिमाग में लिंग का कोई भी भेदभाव आ रहा है तो उसको अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दें। ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव थी। मेरी सारी वीडियोस को देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन।